दोस्तों आए कुछ दिनों में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चर्चे में है, सिर्फ चाइना में ही नहीं बाकी अदर कंट्रीज में ये बहुत रफ्तार से फैलते जा रहा है, जैसे कि आपका यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, हांगकांग हो गया और इंडिया में भी आ चुका है। इंडिया में भी इसके 2-3 केस अभी तक हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि कोरोना वायरस है क्या, किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि किसको कोरोना वायरस हो गया है या फिर इसका सिम्टम्स क्या है और इसका इलाज क्या है। दोस्तों इन सारी टॉपिक्स पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी जागरूक हो सके। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर तक नया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहती है। दोस्तों कोरोना वायरस क्या है इस बारे में सबसे पहले बता दूं, दोस्तों कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, जो कि सबसे पहले इसका केस 1960 में आया था और उसके बाद जाके अभी चाइना में कुछ दिन पहले इसका केस आया है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, इसका जो सिम्टम्स है पहचानने का, आपको शुरू में कहीं ना कहीं अपने बदन में कहीं ना कहीं दर्द स्टार्ट होगा, वो गले में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, कहीं भी दर्द आएगा और धीरे धीरे आपका मिजाज बिगड़ेगा और आपको थोड़ा थोड़ा बुखार जैसा फील आएगा, काफी आप इलनेस फील करोगे, ऐसे में जो दोस्तों कोरोना वायरस होने के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी अभी तक किसी ने बता नहीं पाया, हालांकि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसको नेशनल इमरजेंसी जो है घोषित कर चुका है, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, आप समझ सकते हो कि WHO ने इसे इमरजेंसी घोषित किया हुआ है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का किसी को प्रॉब्लम हो, कभी किसी का सर दर्द करे, बुखार आए, थोड़ा सा इलनेस ऐसा फील करे, तो सबसे पहले अपने बगल कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई संस्थान हो वहां पर जाकर अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवा ले और अपना लाइफ में श्योर मतलब सेफ्टी को जरूर अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, चाइना में एक्चुअली हुआ क्या, ये वायरस आया कहाँ से, तो दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है कि ये वायरस जो होता है जनरली पशु पक्षी में सॉरी पशु में पाया जाता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से आया तो ऐसा बोला जाता है कि चाइना के जो लोग हैं वो लोग किसी एक जगह पे वो लोग सांप को उबाल उबाल के खाते हैं, तो सांप को किसी लोग ने खाया था वहाँ पे कुछ लोग ने, तो शायद वहाँ से आया था। एग्जैक्टली अभी तक इसका अनुमान नहीं लगाया जा रहा कि स्टार्टिंग कैसे हुआ कहाँ से हुआ, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सांप को वो लोग खाए थे, वहां से जाके वो इंसान में आया, फिर वहां से धीरे धीरे फैल चुका है। तो चाइना में लगभग अब तक 350 से 400 लोगों की मौत हो चुकी है इस भयंकर वायरस की वजह से, और सिर्फ चाइना में नहीं बाकी अदर कंट्रीज में भी कुछ कुछ लोग मरे हैं। हमारे इंडिया में भी अब तक लगभग 2 केस ऐसे आ चुके हैं कोरोना वायरस के। तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत ही जल्दी से काम किया जा रहा है, हालांकि इसका 100% इलाज कोई नहीं बता सकता है अभी तक, क्योंकि अभी तक इसका 100% इलाज आया ही नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। इसकी सेफ्टी कुछ कुछ है जो मैं आप लोग बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ भी अगर ऐसा फील हो, आपको सिकनेस फील हो बॉडी में या फिर आपको बुखार है, तो सबसे पहले आपको जो करना है आपको या अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग बाहर भी कभी भी ट्रैवल करते हो तो 20 रुपए की एक मास्क आती है वो खरीद ले, ऐसे भी एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो आप उसको मास्क को खरीद ले, आपको दोनों रूप से आप वहां से जो है सेफ रह सकते हो, आपको वायरस की जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम हो सकती है और जो आप एयर पॉल्यूशन जो होता है उससे भी आप सेफ रह सकते हो। आपको कभी पब्लिक प्लेस में या फिर घर में कहीं भी अगर छींक भी आए तो आप ऐसे रैंडमली से जैसे होता छींक ले तो लोग ऐसा ना करें, रुमाल निकाल के या किसी कपड़ा से अपना फेस को ढक के तभी छींकना चाहिए। तो दोस्तों ये सब कुछ कुछ सेफ्टी है, और अगर आप मांस मछली खाते हो, अगर आप नॉनवेज खाते हो, दोस्तों अभी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कुछ दिनों आप लोग मांस मछली ना खाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से इंसान फैल रहा है ये पशु पक्षी में भी फैल जाए और लोग जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो कुछ दिन नॉनवेज ना खाएं, फिर भी अगर आपको खाना है तो बहुत अच्छे तरीके से उसे उबाल कर बहुत अच्छे तरीके से पका के तभी खाएं। दोस्तों कुछ कुछ इसकी ये प्रिवेंशन थी जिससे आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और इस चीज़ से निजात पा सके। तो बस दोस्तों आज की वीडियो भी था पसंद, आई होप कि आप आज की वीडियो आप लोग पसंद आई, तो वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि इस तरह की वीडियो आपको लोग डेली मिलते रहेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में थैंक यू सो मच।